उसे प्यार किया शिवान से, उसे गुड टच बोला, राइट ना?
और टीचर ने उसे मारा, उसको भी खुद चर्च बोला। ये तो इनके तरीका था। और मैं क्या करता हूँ हमेशा, जब भी आप लोग अच्छा हैंडराइटिंग निकालता था, मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ जितने पीस कम है तो कम जितने। अभी आपने देखा ना क्लासरूम में क्या करता हूँ, अरे वाह क्या गुड हैंडराइटिंग निकाला, ऐसे करता हूँ ना मैं, क्या करता हूँ मैं ऐसे करता हूँ क्या, नहीं करता मैं कभी भी, क्या करता कार्तिक की कम है। मैं क्या बोलता हूँ, वाह वाह कार्तिक तू क्या हैंडराइटिंग निकाला, ऐसे मारता हूँ नहीं मारता हूँ, मैं मारता हूँ ये गुड टच है कि बैड टच है, गुड टच क्या है, गुड टच। क्योंकि हमारे घर के, हमारे स्कूल के टीचर, हमारे फ्रेंड्स जब भी हमें टच करते हैं, भले वो अच्छे से करे, मारे या प्यार से करे, जब मैं मारता हूँ तो आपको दुख होता है या खुशी होती है, हालो तो मैं खुश हो जाते हैं, अरे सर ने मुझे मारा था, इतने के नहीं जितने को मैंने मारा जितने खुश हुए कि नहीं। कार्तिक को मैं मारता हूँ कभी कभी, अरे क्या कार्तिक की हम मारता हूँ तो कार्तिक खुश होती है कि नहीं, उससे बोलते हैं जो भी हमारे घर के हैं वो अगर हमसे प्यार करते हैं या हमें मारते हैं उसे गुड टच बोला जाता है, राइट ना। थैंक यू एवरीवन। तो हम बैड टच किसको बोलते हैं, हम तो सीखते हैं बैड टच किसको बोलते हैं, राइट ना। बैड टच मतलब कहीं पे मारना है हमारे बॉडी में, जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं ना, क्या ऑर्गन्स बोलो, नोज, ईयर्स, आईज, टंग, स्किन, ये हमारे फाइव सेंसरी ऑर्गन्स है, राइट ना। वैसे हमारे बॉडी में कुछ पार्ट्स होते हैं उसको किसी और ने छूना नहीं चाहिए, वो अगर छूता है तो वो है बैक टच। क्या है, मगर हमारे पेरेंट्स ने, डॉक्टर ने, हमारे स्कूल के टीचर ने मारते और अगर छूना है तो वो गुड टच होता है, मगर जो हमें नहीं जानते, अगर मैंने अभी आपको मारा, राइट ना, आपने क्या कहा, गुड टच, क्योंकि आप हमारे सर, टीचर ने आपको मारा, टीचर ने मारा, टीचर ने प्यार किया, आपने क्या कहा उसको, गुड टच, क्योंकि वो हमारे टीचर है। अगर आप रोड पे जा रहे हो और किसी ने आपको पकड़ के मारा तो क्या है, और आप लोग डरोगे कि नहीं डरोगे, अरे इसको तो मैं पहचानता ही नहीं हूँ, ये मैं आंटी को तो मैं पहचानती नहीं हूँ और इसने मुझे मार दिया, ये क्या है, बैड टच। मतलब हमें, हम जिनको नहीं, गुड टच, वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरा ये कहना है, हम रोड पे चलते हैं और कोई जिसको हम जानते नहीं है और उन्होंने अगर हमें हाथ लगाया या कुछ दिया तो बैड है, क्या है, बैड टच, क्या है, बैड टच। अभी एक एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है आप जानते हैं क्या है, क्या है, मिर्ची पाउडर। अगर इस मिर्ची पाउडर को मैं हाथ में डालू तो मुझे जलेगा क्या, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। मैंने पैर पे डाला मुझे जलेगा क्या, नहीं जलेगा। मगर मैं टंग पे डाला तो मुझे जलेगा, टीका लगेगा, मेरे आंखों में डाला तो मुझे टीका लगेगा, लगेगा। मतलब जब भी कोई हमें टच करता है, ऐसे पार्ट पे टच करते हैं जहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, तो उसे हम बैड टच कहते हैं, क्या कहेंगे, मिर्ची पाउडर जब हमारे टंग पे घुसता है तो हमें टीका लगता है तो क्या है, बैड टच, क्या है, हमारे आंखों में गिरता है तो क्या है, यस। तो हमें हमारे बॉडी के पार्ट्स को, अभी पीछे आपको बताइए कौन से बॉडी के पार्ट्स को किसी और ने हाथ लगाना नहीं चाहिए। अगर कभी भी कोई आपके बॉडी के उस पार्ट को जो टीचर बताने वाली है वहाँ पे हाथ लगाता है या कुछ करता है तो आपको पहले अपने टीचर को बताना है। स्कूल में है तो किसको बताना है, टीचर को बताना है। घर पे हो तो किसको बताना है, मम्मी, डैडी, दादा, दादी, जो भी घर में आपके बड़े हैं उनको आपको याद से बताना है। क्या बताना है, कि बाबा या अंकल हो या भाई, फ्रेंड है या मेरा कोई भाई है जिसने मुझे इस तरह से छुआ, ये बातें आपने अपने मम्मी डैडी को बताना बहुत जरूरी है, राइट ना। अगर हम लोग बिल्डिंग के बाहर जाते हैं भाई भाई और कोई आपको डॉग भोंकता है भाव भाव, तो आप लोग भाग के आते हो कि नहीं आते हो, अपने मम्मी डैडी को बताते हो कि नहीं बताते हो, डर जाते हो कि नहीं डर जाते हो, डर के हम लोग पहले किसको बताते हैं, मम्मी डैडी को, किसको, सेम चीज टीचर जब आपको बताएगी कि ये पार्ट्स को हमें हाथ नहीं लगाना है, किसी ने भी हाथ लगाया तो मम्मी डैडी को बताना है, तो आप लोग को याद से बताना है कि बैड टच क्या है। आप लोग कार्टून देखते हो, यस, मम्मी डैडी की स्टोरी सुनाते हैं, मम्मी डैडी क्या बोलते हैं स्टोरी में, राक्षस होता है, क्या होता है, राक्षस कैसा होता है, अच्छा दिखता है या बुरा दिखता है, बुरा। देखिए टीचर ने हमारे ड्राइंग बनाया, ये राक्षस, राक्षस को हमें हमेशा पता है सिंह होता है, पूंछ होता है, होता है कि नहीं होता है, ये हमारा राक्षस है। और ये कौन है, ये
ये फुट टच है, ये परी है। क्या है? परी। देखा है आपने परी? हाँ। ये परी है, इसके हाथ में स्टार है, इसके बाल अच्छे हैं, इसके आईज अच्छे हैं, इसकी स्माइल अच्छी है। और ये बैड टच है, ये राक्षस है। दिख रहा है आपको? हाँ। तो इसको हॉर्न है ना, सिंह है ना, ये टेल है, यहाँ पे है कि नहीं? अभी आपको ऐसे देख के पता चल गया, क्या पता चला? ये है परी और ये है, ये है परी। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे एंजल, और ये कौन है? डेविल। क्या है? ये है एंजल, ये है डेविल, राइट ना। अभी यहाँ पे हमको पता चल गया कि बाबा इसके बाल अच्छे हैं, इसको सिंह है, इसको पूंछ है, इसके स्मार है, उससे हमें पता चल गया कि ये एंजल है, ये राइट ना। मगर अभी जब हम रहते हैं हमारे घर पे, हमारा अच्छा फ्रेंड होता है कोई, हमें पसंद नहीं होता है, जो पसंद नहीं होता वो बैठ रहते हैं, राइट ना। हम ऐसे बोलते ना, मुझे वो अंकल पसंद नहीं, मुझे वो भाई पसंद नहीं, मुझे वो लड़का पसंद नहीं, बोलते ना बोलते। तो वो जब हम बोलते हैं तो हमारे लिए वो बैड होता है कि नहीं होता है? क्या उसको सिंह होता है? क्या नहीं होता है? नहीं होता है ना। पूछ होता है क्या उसको? पूछ होता है क्या? पूछ होता है क्या? नहीं होता। फिर भी हम उसको बैड बोलते हैं ना, क्योंकि वो हमें जो पसंद नहीं वो काम कर रहे हैं, इसलिए हम बैड बोलते हैं। तो आपको ये बताना है हमें कि हमारे आसपास में जो भी डेविल्स है, जो बैड टच करते हैं, ना तो उनको हॉर्न होता है, सिंह होता है, ना उनको टेल होता है, तो हम पहचानेंगे कैसे? चलो अब सीम होता था, पूछ होता था, हम पहचानेंगे। आप पहचान सकते हैं? हम लोग नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो हमारे जैसे दिखते हैं। तो हम तब पहचानेंगे जब वो हमारे ऊपर बैड टच करेंगे या हमारे साथ गलत करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि वो कौन है। डेविल है। कौन है? डेविल है। राक्षस है। कौन है? राक्षस। वेरी गुड। अभी सबसे पहले आपको टीचर बताएंगे कि कहाँ पे टच करेंगे तो बैड टच होता है। कुछ आगे बॉयज में आइए, आयुष आयुष लगने का, दिव्यांशिकम गर्ल्स में दिव्यांशिकम सर, बॉयज में आयुष ना पीछे बदल रहे हैं बहुत दिव्यांशिकम ब्लैक को यू दिवान गर्ल्स अगर किसी ने आपको लिप्स पे टच किया ऐसे तो किसको जाके बताओगे? कौन सा टच है ये? बैड टच। क्या है? बैड टच। किसी ने इधर टच किया है आपको, ऐसे ऐसे टच किया है, किसको जाके बताओगे? कौन सा टच है ये? बैड टच। कौन सा टच है? किसी ने इधर टच किया है आपको, ठीक है, इधर टच किया है तो किसको जाके बताओगे? कौन सा टच है ये? बैड टच। और टीचर ने ऐसे किया है, मम्मी ने ऐसे किया है, पापा ने ऐसे किया है, अंकल ने किया है ऐसे, तो ये गुड टच है क्या बैड टच है? गुड टच। गुड टच है या बैड टच है? गुड टच। ऐसे किया है, वेरी गुड गुड गर्ल। ये गुड टच है या बैड टच है? गुड टच। गुड टच। ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसे। गुड टच है या बैड टच है? गुड टच। अभी बॉयज, ठीक है, बॉयज के साथ यहाँ पर किसी ने टच किया है, यहाँ पर किसी ने टच किया है तो ये गुड टच है या बैड टच है? बैड टच। गुड टच है या बैड टच है? बैड टच। किसको जाके बताओगे? मम्मी और बॉयज है। यहाँ पर किसी ने टच किया है, यहाँ पर किसी ने टच किया है तो गुड टच है या बैड टच है? बैड टच। किसको जाके बताना है? मम्मी डैडी को। अंडरस्टूड? क्लैप। और इससे किसी ने बॉयज को यहाँ पर टच किया है ऐसे तो ये गुड टच है या बैड टच है? बैड टच। तो किसी को जाके बताओगे? ऐसा गलत करते हैं, बैड टच करते हैं तो घर पर जाकर बताना है, ओके? और ऐसे ऐसे किया है, वेरी गुड। ऐसे किया है किसी ने तो ये गुड टच है या बैड टच है? गुड टच। ऐसे किया है? गुड टच। ऐसे, वेरी गुड। ऐसे किया है तो गुड टच। गुड टच। अंडरस्टूड? वेरी नाइस।
Slap everyone. Yes. टीचर ने बताया ना आपको गुड टच कहाँ कहाँ टच करेंगे तो गुड टच है, कहाँ करेंगे तो बैड टच। मगर आप लोगों को याद रखना है ये बात क्या कि हमारे फैमिली मेंबर्स मम्मी डैडी भाई घर के कोई भी हमारे टीचर अगर हमें मारते हैं टच करते हैं वो गुड टच होता है। क्या होता है? मगर हम किसको जानते नहीं है वो आकर हमें टच करेंगे तो वो बैड टच। यानी कि आप बिल्डिंग में नीचे खेल रहे हो और बाहर का कोई बंदा आके या कोई अंकल आके या कोई भैया आके आपको टच करता है यहाँ वहाँ या आपसे बात करने आता है तो बात करना है क्या? नहीं, पहले जाके अपने मम्मी को डैडी को बताना है कि वो अंकल मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, इसलिए मम्मी डैडी जब जाके उनसे बात करें उसके बाद ही हम बात करें। राइट ना? राइट या नहीं? अगर जो हमारे बात कर सकते हो, जो हमारे पहचान का नहीं उससे बात नहीं करना है। क्यों पता है क्या? हमारे मम्मी डैडी को किसने भेजा है? गॉड ने भेजा है। राइट ना? एंजल से किसने भेजा है? गॉड ने भेजा है। और ये जो राक्षस है ये तो बुरा चीज है ना, इसको गॉड ने तो नहीं भेजा है, ये गलत काम करते हैं। हम सब अच्छे बच्चे हैं कि नहीं? तो हमें इनके साथ देना चाहिए कि इनके साथ देना चाहिए? और आपको पहचानने में अगर कभी कोई बुरा इंसान आता है तो कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। क्या करेंगे मानो, पहले आपको आके बोलेंगे अरे आलोक दुबे, अरे कार्तिकी, आलिया गुप्ता आपकी मम्मी वहाँ पे खड़ी है, स्कूल अभी छूट रहा था बराबर, या बिल्डिंग के नीचे आप खेल रहे हो, वो आएंगे और आपको बोलेंगे आलिया गुप्ता चलो आपकी मम्मी वहाँ पे खड़ी है मैं आपको लेके जाता हूँ, आपकी मम्मी ने वहाँ पे बुलाया, हमें जाना है क्या? नहीं जाना है, क्योंकि वो बैड टच हो जाते हैं। कौन है? क्योंकि हम उनको जानते हैं क्या? नहीं जानते, मतलब वो बैड टच हो। कौन है? एंजल है कि डेविड है? डेविड है। सेकंड वो क्या करेंगे? वो आपको बोलेंगे आप खेलते रहेंगे कहीं पे गार्डन में या बिल्डिंग के नीचे या स्कूल के बाहर, वो आएंगे आपको बोलेंगे बेटा आपको चॉकलेट चाहिए क्या? बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? यस अंकल दे दो, ऐसा नहीं बोलना है क्योंकि वो एंजल नहीं है। वो नहीं है एंजल? नहीं है, वो है डेविल। डेविल कौन है? क्योंकि देखो हमारे मम्मी डैडी हमें चॉकलेट क्यों ला के देते हैं? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। क्या करते? टीचर हमें चॉकलेट क्यों देती है? क्योंकि वो हमसे प्यार करती है। क्या करती है? हमारे भैया हमें चॉकलेट ला के क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे भैया है और हमसे प्यार करते हैं। कोई बाहर का इंसान जो हमें जानता नहीं वो हमें चॉकलेट क्यों ला के देगा? नहीं ला के देना चाहिए। अगर ला के दे रहा है मतलब वो कौन है? डेविड है। कौन है? यानी वो हमारे साथ कोई बुरा काम कर सकता है या हमको पकड़ के लेके जा सकते हैं। लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते हैं? इसलिए घर के बाहर हमारे पहचान के कोई भी कुछ भी हमें देते तो हमें नहीं देना, नहीं देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? नहीं देना। और वो कैसे आएंगे? आप अकेले खेलते होंगे बिल्डिंग के नीचे या मम्मी कहीं पे दुकान में गई होगी आपको बोल दो घर पे बैठो, वो आएंगे आपका बेल बजाएंगे। अगर आपके घर पे कोई बड़ा नहीं होगा आपने डोर ओपन कर दिया वो कैसे आते होंगे? डेली लोग जो एंजल होता है वो हमेशा फेस खुला रखते अंदर। गॉड का आपने फोटो देखा है कहीं पे भी मास्क रहता है क्या? नहीं। एंजल कौन है? हमारी मम्मी डैडी घर के अंदर मास्क पहनते घूमते क्या? क्योंकि वो एंजल है। कौन है? मगर जो चोर आता है हमारे घर पे चोरी करने या आसपास में चोरी करने वो कैसे आता है? मुंह पे मास्क, क्योंकि वो कौन है? डेविल है। कौन है? क्या करने आया? गलत काम करने आया। क्या करने आया? देखिए कभी कभी हम ऐसा करते ना हमारे घर पे खाना रखा होता है हम जाके ले लेते हैं और खाते लेते कि नहीं लेते? वही कहीं पे और रखा होता तो हम डर किसी और के घर पे गए हम डरते कि नहीं? अरे पास लगता है कि नहीं लगता हमें? लगता है। क्योंकि वो हमारा घर है क्या? नहीं है। सेम चीज जो डेली के साथ होता है वो जब भी नहीं आएगा वो गलत काम करने आएगा। गलत काम करने आ गया अपना चेहरा छुपा दे। क्या करते हैं? तो वही ऐसा मास्क पहन के आएगा और आपको पकड़ेगा। आप अगर फिरते रहोगे देखेगा वहाँ पे कोई भी नहीं है तो
वो आएगा आपको पकड़ेगा और बैग में डालेगा, बड़ी सी बैग में या गाड़ी के अंदर डाल देगा और लेके चले जाएगा। पकड़ के लेके क्या करेगा, पकड़ के लेके जाएगा। ये भी रहेगा, वरना कभी कभी आप लोग गार्डन में खेलते होंगे, कोई अंकल आएगा, देखो मेरे पास मास्क है, मास्क पहनेगा, वो चलो अपनी खेलते होंगे, समझ में। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा होता है इसलिए हम एक दूसरे से खेल रहे, आप बोले चलो अपने पकड़ कर लेंगे, अपने लोग बता चुके हैं, पकड़ के लेके आएगा, छुपे छुपे बोलेंगे। और वो डेविल के साथ, वो डेविल अकेला नहीं आता है, बहुत सारे डेविल के साथ आएगा, वो सब लोग मिलेंगे, तुमको पकड़ेंगे, कार के अंदर डालेंगे, कार नहीं मिला उनको तो बैग में डालेंगे, बैग में डाल के लेके जाएंगे। आपको क्या लगता है डेविल जब भी हमें पकड़ के लेके क्या करता होगा, वहां पे लेके जाके वो जो चोर होता है या डेविल होता है जो राक्षस होता है वो हमें पकड़ के लेके जाएंगे वहां पे, हमें खाना देने वाले वो हमें मारेंगे, क्या करेंगे, एक रूम के अंदर बंद करके रखेंगे। तो हमें ऐसा रहना है क्या, तो आज से हम लोग क्या करेंगे, आज से हमें याद रखना है जिन्हें हम पहचानते नहीं है उनके साथ जाना है क्या, क्योंकि वो कौन है, डेविल। कौन है, जिन्हें हम पहचानते नहीं उनसे कुछ खाने के लेना है क्या, जिन्हें हम पहचानते नहीं है या हम पहचानते भी है वह उन्होंने हमें यहाँ पे हाथ लगाया, हमें मम्मी डैडी को बताना है कि नहीं बताना है, या टीचर ने जो जो पार्ट्स बताया वहाँ पे हाथ लगाया तो बताना है कि नहीं बताना है। एग्जाम्पल, कभी टीचर यहाँ पे है खड़ी और टीचर के सामने किसी फ्रेंड ने तुमको मारा तो तुम पहले क्या करते हो, टीचर को बताते हो कि नहीं बताते हो, सेम चीज। जब भी डेविल आपको छुएगा गलत तरीके से, डेविल कोई भी हो सकता है, आपके बिल्डिंग में रहने वाला कोई बंदा, आपके बिल्डिंग का वॉचमैन, आपके इधर कोई बुंदा देने वाला आने वाला, रद्दी लेने आने वाला, भाजी बेचने आने वाला, कोई भी अंकल हो, किसी दुकान में आप डेली जाते हो वहाँ पे अंकल पहचान वाला, कोई भी हो, हमारे घर के लोग छूट है, बाकी कोई भी लोग, टीचर ने जो बॉडी का पार्ट बताया है उस बॉडी पार्ट्स को अगर हाथ लगाता है तो हमें टीचर को या तो मम्मी पापा को दादा दादी को याद से बताना है। क्यों बताना है, क्यों बताना है, क्योंकि वो डेविल है, क्योंकि डेविल है, मगर इसके अलावा और भी एक चीज है, क्यों बताना है हमें, बोलो क्यों बताना है, क्योंकि हमें बताना है, क्योंकि जो लोग अगर कोई घर में हमारी चोरी करने आ रहा है हमको पता है, पता चल गया चोर है तो हमको उसको पकड़ के पनिशमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, जो भी गलत काम करता है उसको पकड़ के पनिशमेंट देना चाहिए। अगर आप लोग अपने घर में कोई बैड टच करता है या आपके साथ कुछ बुरा करता है अगर आप अपने घर नहीं बताएंगे तो वो पकड़ा जाएगा क्या, नहीं पकड़ा जाएगा। हम अगर हमारे घर पे नहीं बताएंगे तो पता चलेगा घर वालों को, नहीं पता चलेगा तो पकड़ा जाएगा क्या, नहीं पकड़ा जाएगा। इसलिए कभी भी हमारे साथ जो भी अंकल, कोई भी आंटी, कोई भी भैया, कोई भी दोस्त, कोई भी कमरे वाला, कोई भी बिल्डिंग वाला, कोई भी हमारे बॉडी पार्ट्स को जहाँ पे टीचर ने बताया हाथ लगाता है तो पहले घर पे जाके बताना है कि इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे टच किया, इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे मारा, इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। तभी हमारे मम्मी पापा जाके वो तस्वीर करेंगे, उनको पकड़ेंगे ताकि वो किसी और बच्चे के साथ नहीं कर सके। डेविल को जेल में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, उनको जेल में डालने के हम लोग सब काम करेंगे कि नहीं करेंगे, आज के बाद बिल्डिंग के नीचे अकेले जाना है क्या, क्योंकि नीचे कौन है, अगर आपने किसी डेविल को देखा तो हम लोग क्या करेंगे, भाग जाएंगे, घर पे भाग जाएंगे, घर पे भागेंगे, टीचर के पास भागेंगे, जो भी हमारे पहचान के उनके पास भागेंगे, भागेंगे कि नहीं भागेंगे। सेकेंडली हमें पता चल गया ये गलत इंसान है तो हम उसके साथ बात करेंगे क्या, नहीं करेंगे, उसके साथ दोस्ती रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे। इसलिए हमेशा हमें अच्छे लोगों के साथ रहना है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ कौन रहता है, गॉड रहता है, और बुरे लोगों के साथ कौन रहता है, डेविल रहता है। तो हम सब अच्छे के लिए जिसको क्वेश्चन पूछना होगा चार क्वेश्चन हम लोग इधर ही घूमते रहेंगे ना तो फिर कोई भी डेविल रहेगा तो आप लोगों को बताना। यस, जब भी आप कहीं पे दुकान में आए हो या कहीं पे भी आए हो या स्कूल के बाहर जाते हो
किसी ने भी अपने को देखा, हमारे पीछे आ रहा है या हमें पकड़ रहा है या हमें छू रहा है या हमें नहीं देना होता तो भी चॉकलेट दे रहा है, तो हमें टीचर को या पेरेंट्स को बताना है तो हम उनको पकड़ेंगे, राइट ना। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।